वेलकम थ्री क्लास। आज हम पढ़ेंगे एसएसटी का चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम जनार्दन टू कायद अजम के बारे में पढ़ेंगे कि कायद अजम जो है पहले उनका नाम तो मोहम्मद अली जिन्ना था, तो मोहम्मद अली जिन्ना के आगे कायद अजम कैसे बने, फिर उनका नाम कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना कैसे हुआ, ये हम लोग पढ़ेंगे। पेज नंबर 31 एंड 32। सबसे पहले कायद अजम बता रहे हैं, कायद अजम खुद बता रहे हैं, ये सारी जो स्टोरी है ना उसमें कायद अजम यूज कर रहे हैं। हाँ, ये मतलब अपने बारे में खुद बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मेरा जो पूरा नाम है वो मोहम्मद अली जिन्ना है, वो कराची में पैदा हुए थे और वो बता रहे हैं कि मैं अपने 7 बहन भाई होने से सबसे बड़ा था। वो बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग और ब्रिलियंट स्टूडेंट है। बता रहे हैं कि मैंने बहुत ज्यादा स्कूल में मैं गया हूँ, स्कूल बदले हैं, चेंज किए हैं उन्होंने, लेकिन हर जगह पे वो अपने स्टडी को उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, स्टडी में हमेशा अच्छे रहे। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो जाना उनकी नेबर्स रात को किसी काम से वो उठी और उसने देखा कि इनके घर से ना कायद अजम के घर से रोशनी आ रही है, लैंप मतलब कह सकता जा रहा है कि लाइट आ रहा है। उस वक्त लाइट तो थी नहीं, तो ऑयल लैंप जो होता है वो उसकी रोशनी है, तो वो आगे की उन्होंने देखा कि कायद अजम जो है ना लैंप के गिर्द उन्होंने एक वो कार्डबोर्ड जो होता है शीट सी होती है वो रखी हुई है ताकि दूसरे डिस्टर्ब ना हो, तो कायद अजम बैठ कर पढ़ रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा कि आप जब देखो आप पढ़ते रहते हो, आप इतना ज्यादा क्यों पढ़ते हो, आपकी सेहत खराब हो जाएगी, आप बीमार हो जाओ, रात को सोते भी नहीं हो। कायद अजम आगे से कहते हैं कि मैंने जो अपनी लाइफ में अचीव करना है, मैंने जो हासिल करना है उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी और इसलिए मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, जो मैंने सोचा हुआ है वो ऐसे मुझे नहीं मिलेगा, उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर बाद में बता रहे हैं अपने फ्रेंड का नाम बता रहे हैं कि मेरा एक फ्रेंड है उसका नाम है नाजी जाफर। वो दोनों फ्रेंड्स को कहते हम दोनों ना एक स्ट्रीट थी, गली थी मार्बल्स की, हम लोग खेलते थे ठेली। फिर कायद अजम ने देखा कि हमारे जो कपड़े हैं वो खराब हो जाते हैं खेलने से मार्बल्स के साथ, तो फिर कायद अजम कहते हैं ये हम आज के बाद नहीं खेलेंगे, फिर हम लोग ना क्रिकेट खेला करेंगे। फिर हम दोनों जाना अपने फ्री टाइम क्रिकेट खेलने चले जाया करते थे। फिर एक दिन क्या हुआ कायद अजम के जो फादर थे वो कोर्ट गए, कचहरी जिसको बोलते हैं कोर्ट, जहाँ पे वकील बहुत ज्यादा होता है वहां पे गए, वहां पर उन्होंने देखा जो वकील है सबने ब्लैक कलर का ना पैंट कोट जो उनका ड्रेस होता है फोन में पहला कायद अजम को उनका ड्रेस होता है इतना अच्छा लगा। फिर कायद अजम उधर ही ना कोर्ट में खड़े होकर कायद अजम सोच रहे मैं भी बड़ा होकर ना यही बनूंगा, फिर मैं भी यही वाला ड्रेस इतना करूंगा। फिर कायद अजम ने बाद में कायद अजम जब जब बड़े हो गए फिर कायद अजम लंदन चले गए, वहां पे जाके फिर कायद अजम ने यही वाली जो अपनी स्टडी थी वकील बनने वाली LLB इसी को कायद अजम ने किया। फिर कायद अजम भी वकील बन गए, वकील बन के कायद अजम वापिस आए इधर से। फिर जब यहाँ पे आए थे वो वकील, लेकिन जब यहाँ पे आए उन्होंने देखा कि मुसलमान जो है ना वो बहुत बुरे हालात है मुसलमानों के, वो जो हिंदू है वो मुसलमान को ना मारते हैं बार बार पे, उनके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। फिर कायद अजम ने सोचा कि हम दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते, मुसलमान अलग होने चाहिए हिंदू अलग हो। फिर कायद अजम ने बहुत ज्यादा मेहनत वगैरह कोशिश वगैरह मतलब कि ऐसे तो नहीं था, आगे कायद अजम ने बोला कि हमें अलग बदल चाहिए और उन्होंने अलग दे दिया, नहीं कायद अजम ने बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रगल की मेहनत की। फिर जो कायद अजम जो है ना अलग बदलने में कामयाब हो गए, पाकिस्तान बन गया और हिंदू जो थे वो अलग हो गए। ये जो कायद अजम ने वतन पाकिस्तान को बनाया इसकी वजह से उनके नाम के आगे कायद अजम लगता है, इसका मतलब है बहुत बड़ा लीडर रहनुमा बहुत बड़ा। कि अब उनका पूरा नाम पहले तो उनके जो पेरेंट्स ने रखा था वो मोहम्मद अली जिन्ना था, फिर अब उनको हम जानते हैं तो उनका नाम है कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना, कायद अजम है बहुत बड़ा लीडर। अब इसकी तकरीर लास्ट में कायद अजम कह रहे हैं कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने मुझे अभी तक याद रखा होगा। ये थी इसकी स्टोरी। अब नेक्स्ट इसके न्यू टर्म्स करते हैं हम लोग। फर्स्ट वन इज ब्रिलियंट, ब्रिलियंट
ब्रिलियंट. सेकंड वन इज नेबर, नेबर, नेबर. लैम, लैम, लैम. डिसाइडेड, डिसाइडेड, डिसाइडेड. लॉयर, लॉयर, लॉयर. रिमेंबर, रिमेंबर, रिमेंबर. होमलैंड, होमलैंड, होमलैंड. सो स्टूडेंट्स, ये आपने कर लिया और स्टोरी टाइम आपकी हो गई है. अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.